अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब यहाँ पे अच्छे से हैं। तो फ्रेंड, मैं आज बनाने जा रही हूँ कीमे का समोसा और चिकन रोल, है ना गुड़िया। ये दो चीज़ मैं बनाऊंगी। और वैसे तो हम लोग चना भजिया दाल बनाएंगे ही, पहले तो हम लोग नहीं बनाने वाले थे, पहले रमजान को नहीं बनाए थे, बट मेरे बच्चे लोग और ससुर मेरे बोले नहीं भजिया और चना तो ज़रूर बनेगा, तो इसके लिए आज हम लोग वो भी बना रहे हैं। तो ये मैं आपको कैसा बनाती हूँ कीमा समोसा और चिकन रोल मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ। और देखिए, मैंने कुछ वेज मतलब कट कर लिया है। ये गाजर है, इसको मैंने ऐसा कद्दूकस किया है। ये पत्ता गोभी है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये अंडे की भुर्जी हम जैसा बनाते हैं ना उस टाइप का कांदा है, इसको भी बारीक कट किया है। और ये शिमला मिर्च है। तो और यहाँ पे देखिए तेल है, तेल मैं गरम कर रही हूँ। सबसे पहला मैं बनाऊंगी कीमे का समोसा, मैं स्टेप बाय स्टेप बनाते जाऊंगी, आपको दिखाते जाऊंगी, तो इसीलिए मुझे क्या बोलते ना, मुझसे जुड़े रहिए। तो आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, मैंने तेल गरम हुआ था, उसमें मैंने कीमा डाल दिया। अब कीमा अपना पानी छोड़ रहा है, तो उसके अंदर मैं दो से मतलब ढाई चम्मच तक का मैंने नमक डाल दिया है। आप नमक अपने हिसाब से डालिए, मेरा कीमा 1.25 किलो तक था, इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा नमक लिया है। अब इसका पानी सूखने तक का इसे ऐसे छोड़ देंगे। फ्रेंड देखिए, ये अदरक लहसुन है, अब इसका जा रहे हम लोग बारीक पेस्ट बना लेंगे और इसको बना के रख लेंगे। कम से कम 1 हफ्ता तक तो ये चलेगा ही। और इसके अंदर मैं 2 नींबू डाल दूंगी ताकि इसका कलर चेंज ना हो। नींबू डालने से अदरक लहसुन का पेस्ट जो रहता है वो कलर चेंज नहीं होता है, एकदम फ्रेश रहता है। तो इसके लिए मैं इसे पीस के मिक्सर में और रख लूंगी और इसमें 2 नींबू डाल दूंगी। तो देखिए, कीमे में अभी पानी है तो इसी में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ जो मैं अभी फ्रेश बनाई हूँ, ताकि इसी में ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुना जाएगा तो उसका जो कच्चापन है, उसकी स्मेल जो है अदरक लहसुन की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो पानी सूखने तक का भी इसे भी साथ में डाल के खूब अच्छे से भून लेते हैं। देखिए, कीमे का पानी एकदम सूख गया है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है पूरा, और खूब अच्छी भुनाई हो गई दोनों की। अब मैं इसमें जा रही हूँ कुछ स्पाइसी मसाले डालने। ये जो छोटा चम्मच है ना, इसी छोटे चम्मच से मैंने 2 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है तीखा वाला, 1 चम्मच लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और उसमें धनिया डाल दिया, दोनों को मैंने कूट लिया है तो उसको मैंने 1 चम्मच लिया है। यहाँ पे धनिया पाउडर है, ये 2 चम्मच ली हूँ इसी चम्मच से। और ये मीट मसाला है, एवरेस्ट का मीट मसाला, उसको मैंने 1 चम्मच लिया है। ये जीरा पाउडर है, वो भी 1 चम्मच लिया है। और ये आमचूर पाउडर है, वो 1 चम्मच मैंने इसी छोटे चम्मच से सब लिया है। तो अब वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। देखिए माशाल्लाह, कीमा बहुत अच्छे से भून गया है, इसका पूरा पानी एकदम सूख गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये बारीक चॉप किया हुआ कांदा, और इसी में डाल देना है 2 नींबू का रस। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कम से कम 2 मिनट तक का ये प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड देखिए, कांदा डाल के 1 मिनट हो गया है, उसे मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें लास्ट में ऐड कर देते हैं कोथमीर। इसमें कोथमीर में मैंने सोया और कोथमीर दोनों को साथ में लिया है। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सोया में खुशबू बहुत रहती है, तो इसके लिए कोथमीर और सोया डालो तो इसमें खुशबू बहुत आती है। तो इसे भी ऐड करके अब गैस कर देना है बंद। इसे ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैं और क्या डालूंगी और कैसे बनाती हूँ। मेरा जो भी सामान रहता है सब बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि मैं बाहर का सामान कुछ भी ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। जो घर में सामान अवेलेबल रहता है मैं उसी से ज़्यादा करके बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ बनाने चिकन रोल। तो चिकन रोल के लिए मैंने सबसे पहले कीमे को अब पहले उबाल लेना है। इसमें मैंने नमक डाल के पहले इसको उबाल लेना है, फिर उसके बाद से अब यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे मैंने कीमा का जो समोसे का जो कीमा था उसे खाली कर लिया है, उसी बर्तन में मैंने तेल डाल दिया है। तेल देखो, मैंने ज़रा से तेल डाला है, दिख रहा है। और फिर उसके बाद से जो मेरा ये पूरा वेज है इसको मैं थोड़ा सी हल्का सी क्रश कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें सब वेज अपनी डाल दिया है। अब इसे हमें गलाना नहीं है, बस थोड़ा सी हल्का क्रिस्पी भून लेना है
जब ये 2 से 3 मिनट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें इसे उतार लूँगी। फ्रेंड देखिए, ये जो पूरा मिक्स वेज था वो पूरा अच्छे से हो गया है। इसके अंदर मैंने डार्क सोया सॉस 2 चम्मच, 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस और 1 चम्मच विनेगर, दोनों मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ओके, और यहाँ पे देखिए मेरा चिकन हो गया है पूरा अच्छी तरह से। चिकन में मैंने अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मतलब चिली फ्लेक्स, ये सब मैंने डाल के इसे अच्छी तरह से उबाल लिया है। अब इसका पानी देखो पूरा सूख गया है। अब ये चिकन को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने अपना चिकन पूरा इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसे पूरा अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे चीज़, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं चिकन रोल बना के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड मैंने ये मोंजिला चीज़ का 2 क्यूब लिया है, तो एक मैंने घस दिया है, एक और डाल रही हूँ, तो ये 2 मैंने अमूल चीज़ लिए लेके इसमें डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास अमूल चीज़ है तो आप डालिए, ना तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं कीमे का रोल बना रही हूँ, तो इसमें सोचा कि 4-5 पट्टी बची है तो इसमें मैं कीमे का रोल बना दूँ। तो देखिए ये मैंने 2 चम्मच लिया है और यहाँ पे देखो मामू है, ये मेरे मामू ससुर है, वो मुझे पट्टी निकाल निकाल के दे रहे हैं। तो देखें पूरा ऐसे आराम आराम से पट्टी निकाल के दे रहे हैं और यहाँ पे देखो मैं पूरा इसको स्टफिंग की भर के पूरा इसको लपेट रही हूँ। तो ये देखिए ये ऐसा मैंने लपेट लिया है एकदम आराम से, यहाँ से ऐसा। ये मैंने आपको वीडियो में पट्टी दिखाया है रोल पट्टी, तो हम लोग वहाँ से जनरल स्टोर से खरीद के लेके आए हैं। ये देखो हुआ ना, बहुत आराम से इसको बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैंने मैदे का घोल नहीं लिया है, बस सिर्फ ऐसे पानी लेके इसको लगा लेती हूँ, पूरा अच्छे से ये पूरा पैक हो जा रहा है, कहीं से भी नहीं निकलता है। ये देखो देखा, ये पूरा मैं ऐसे बना बना के रखी हूँ और ये मामू निकाल निकाल के दे रहे हैं। फ्रेंड देखिए ये समोसा पट्टी है, मैं समोसा बना रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही बनाने की, अगर परफेक्ट नहीं बना तो सॉरी है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। देखिए ऐसा करके इसके अंदर मैंने अपना स्टफी भर लिया थोड़ा सा और इसे इस तरह से ऐसा लपेट के, ऐसा करके यहाँ पे ये आटे का घोल है, ये देखिए ये मेरा समोसा बन गया था। परफेक्ट नहीं बना है बट पूरी कोशिश है वैसे ही बनने की, है ना। ये देखिए लास्ट का दिखाती हूँ, ये देखिए है ना, बना। चलो अच्छा फ्रेंड, अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रोल। तो ये देखिए मेरा चिकन है जो मैंने बना लिया है, ठंडा हो गया है और लास्ट में मैंने इसमें कोथमीर ऐड कर लिया है। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन रोल चीज डाल के, ठीक है। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। समोसा तो हो गया हमारा कीमे का समोसा, अब चिकन रोल बना लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने चिकन डाला है, मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि वो पतला पतला मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये देखो ये ऐसा पूरा फैला लेंगे, इसके अंदर ये मैंने स्लाइस चीज़ जो है इसे ऐसा फोल्ड कर लेना है, इस पर ऐसा रख लेंगे, ये ऐसा इसको मोड़ेंगे, यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये देखो दिख रहा है ना, दिखा, ये ऐसा फोल्ड करके इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे,
फिर यहाँ से करेंगे। फ्रेंड यकीन मानिए मेरे को ना समोसा पट्टी बनाने में थोड़ा तकलीफ हुई क्योंकि मैं बना नहीं पा रही थी सही से, बट रोल बनाने में ना मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि इतनी आसानी से बन जा रहा था एकदम फटाफट। देखो ये आटे का जो घोल है इसे ऐसा करके ये बस है ना गुड़िया, ये बहुत आसानी से आसानी है। ये रोल बहुत झटपट बन के तैयार हुआ है सच्ची में। हाँ चिकन समोसे में थोड़ा टाइम लगा लेकिन ये अच्छे से बन गया। देखिए ये दूसरी पट्टी लिए, बस बन गया। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बन के तैयार हो गया है। ये कीमे का समोसा बन गया है, ये चिकन रोल चीज डाल के बनाई हूँ वो है ये, और ये कीमे का रोल है। अब ये पूरा अच्छे से बन गया है, अब मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ।